नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल हमें कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं दो दिन से टेलीग्राम पे अपने पोस्ट नहीं कर रहा था बाय और सेल लेवल्स, बट मैं कल से दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टॉक्स बताऊंगा किस लेवल पे बाय करना है, क्या टारगेट स्टॉप लॉस होंगे इंट्राडे के लिए, वो सारा कुछ आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं है, फ्रेशर्स हैं, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट बाय करने शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आप लोगों को। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, यहाँ पर आप इस तरीके से देख पा रहे हैं एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा था। रेंज का ब्रेकआउट आया था अराउंड 4200 के आसपास और फिर हमने देखा था 4500 तक इसकी एक रैली आई थी। अब आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये 3700 से अपने बॉटम से 4500 तक की एक रैली आई है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की हम देख रहे हैं कि एक रैली आई है। तो अब हमें किस तरीके से इस पर ट्रेड करना है, क्या करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पर सेल करने की सलाह दे रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या है और रीज़न क्या है, जब भी कोई शेयर हाई होता है, बहुत अपने टॉप पे चल रहा होता है और हम देखते हैं एक सडन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तो वहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो भी बायर्स थे वहाँ से वो लोग अब एग्जिट कर रहे हैं, वहाँ से वो लोग अब हट रहे हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। जो लेवल निकल के आ रहा है 4378 का, आप उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं और आपको नीचे अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे। अगर आपको मैं प्रीवियस डाटा भी दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि इससे पहले ये मूवमेंट आ रही थी, उसके बाद ये एक टॉप में था, एग्जैक्ट टॉप पे था और आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स का एक सडन इंक्रीज हुआ एंड सडन इंक्रीज के बाद वी सी अ शार्प फॉल। अगर मैं थोड़ा बैक जाता हूँ तो बैक पे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सडन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इस लेवल पे। यही वो कैंडल थी जो टॉप पे चल रही थी, उसके बाद हमने एक सडन फॉल देखी है। तो जब भी हाई पे होता है वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं अनएक्सपेक्टेडली, तो वहाँ पर एक शॉर्ट फॉल आ जाती है। और अगर बॉटम बहुत नीचे है पर्टिकुलर स्टॉक और अपने एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, तो वहाँ से जो भी सेलर्स होते हैं वो लोग निकल चुके हैं, अब बाइंग स्टार्ट हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कल शॉर्ट बना सकते हैं, लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक आता है सेंचुरी टेक्सटाइल। या सेंचुरी टेक्सटाइल भी आप लोगों को शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। इस लेवल को आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तरीके का इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब हॉल्ट करा तो हम देख रहे हैं एक सडन शार्प फॉल आई है इस लेवल पे दोबारा। तो अराउंड बिलो 315 के नीचे आप लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, आपको आराम से 300 तक के लेवल्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक सेंचुरी टेक्सटाइल शॉर्ट है, एक आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट आते हैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस लेवल से एक रिकवरी आने की कोशिश करी, उसके बाद ये आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर ये ट्रेड करना शुरू कर गया। जब रेंज के अंदर ट्रेड करा तो रेंज का ब्रेकडाउन आज आ चुका है, अराउंड 149 के आसपास इसने एक ब्रेकडाउन दिया है और अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 147 पे। तो कल आप लोग इसको भी शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, ये दोबारा 141-140 के लेवल्स तक आ सकता है। तो ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हमारे लिए शॉर्ट है। नेक्स्ट स्टॉक है एम्फेसिस। इसको हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं आप लोगों को। या इस लेवल पे आप लोग देख सकते हैं, ये अभी इस लेवल पर जो इसका हाई था, जो इसका ये प्रीवियस हाई था, इस एग्जैक्ट इस लेवल पे अगर मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन के थ्रू दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इस लेवल पे इसका हाई था, उसके बाद हमने एक डाउनफॉल देखी, फिर अपमूव देखी, विक की क्लोजिंग ऊपर देखने को मिल रही थी बट क्लोजिंग ऊपर नहीं हो रही थी, सिर्फ विक ऊपर जा रहे थे। हमने देखा यहाँ पर क्लोजिंग आई, एक हैवी वॉल्यूम्स के साथ एक क्लोजिंग आई, एक डिप लिया, फिर रिकवर कर गया और अब इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी करंट प्राइस है 1403, राउंड नंबर है और आप इसके ऊपर एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। आपको अच्छे से 10 से 15 रुपए तक के टारगेट्स भी इसमें मिल सकते हैं कल इंट्राडे में। लेवल्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लास्ट स्टॉक आता है परसिस्टेंस। ये भी बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको। एक देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल चैनल के अंदर ही काम कर रहा था, एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा था, इस लेवल से एक ब्रेकआउट आया, प्लस आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था। ये देख सकते हैं एक वी शेप की रिकवरी, प्लस यहाँ दो दिन हॉल्ट करा और एक ब्रेकआउट आ गया, तो इसके ऊपर भी आप लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम भी कल एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब आते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक शार्प
जो रिकवरी आई थी, जो एक बहुत बड़ी मूव आई है इतने टाइम पे, अगर मैं इसका आर्ली चार्ट ओपन करता हूँ, क्योंकि डेली चार्ट में अभी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, आर्ली चार्ट में अगर मैं पीछे जाता हूँ तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें ट्रेड किस तरीके से करना है। आप देख सकते हैं अभी भी ये हायर हाइज बना रहा है, एक डिप आती है फिर नया हाई, फिर एक डिप फिर नया हाई, तो अभी भी हायर हाइज बना रहा है, ठीक है। अब इस पर शॉर्ट कब करना है, सेल पे कब जाना है, क्योंकि जनरली अब बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गया तो हम लोग शॉर्ट एक इनिशिएट कर सकते हैं। तो शॉर्ट कब इनिशिएट करना है, जब हायर हाई से ये लोअर लोज बनाना शुरू करें, ठीक है, तब आप लोग एक शॉर्ट इनिशिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कब होगा उसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रीवियस हाई है वो अराउंड ये लेवल पे है, ठीक है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 11,906 का। तो जैसे ही इस लेवल के नीचे ब्रेक होता है, हम मान के चलते हैं 11,900 के नीचे, तो आप लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं और ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा एक, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 11,840 का, ठीक है। तो निफ्टी पे हमें शॉर्ट करना है 11,900 के नीचे, बट शॉर्ट हम तभी करेंगे जब हमें एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, हम लोग तभी एक शॉर्ट इनिशिएट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। जब तक एक रिवर्स का सिनेरियो चेंज नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पर सेल साइड पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हायर हाइज बना रहा है, हो सकता है कि नीचे से दोबारा एक रिकवरी आ जाए, तब तक हम लोग एक सेल इनिशिएट नहीं करेंगे। 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हुए 11,900 के नीचे, तो आप लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। सेम एज गोज फॉर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे भी हम लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं इस लेवल पे। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं, हायर हाइज बन रहे हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। अब ये लेवल है इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल, ये देख सकते हैं, ये लेवल इसका इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो जैसे ही ये 23,420 को नीचे ब्रेक करती है तो हम लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट आएगा वो अराउंड आएगा इस लेवल के आसपास, ठीक है, जो लेवल निकल के आ रहा है 23,200 के आसपास का, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी अगर ये लेवल पे भी आ जाता है तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये लोअर लोज बनाना शुरू हो गया। कन्फर्मेशन कब आती है कि जो इसका प्रीवियस हाई चला हुआ रहा है इस तरीके से अभी मार्केट है, जब ये प्रीवियस लो ब्रेक करे और ऊपर जाए दोबारा और यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, तो इसे कहते हैं हायर हाई से शिफ्ट होकर अब ये लोअर लो लोअर हाइज आ गया, तब हम लोग यहाँ पर अपना हर बाउंस बैक पर ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट साइड में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे, डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी आप लोग हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्वर पे, वहाँ पर सारे ग्रुप्स हैं, उसके थ्रू आप लोग अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, सब लोगों से डाउट सेशन क्लियर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।